अभी मथुरा से जाना है वृंदावन को, और ये रास्ता है वृंदावन का। गाली देर से गाली। हेलो गाइस, स्वागत है आपका विजय जोशी ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो फिलहाल आज आया हूँ मैं यहाँ मथुरा अपनी बुआ लोगों के यहाँ, और यहाँ मेरी बड़ी बुआ रहती है, तो दिखाता हूँ अभी यहाँ का व्यू कैसा है करके। तो गाइस देखो अभी होने वाला है, तो गाइस अभी देखो सनसेट होने लग गया है, तो अब जाके ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। और देखो यहाँ पे तो हाईवे है और यहाँ पे से ट्रेन जा रही है, और सामने है बिल्डिंग राधा बेली करके, तो अभी कुछ ज्यादा साफ नहीं आ रहा है। इस साइड को तो पूरी बिल्डिंग ही बिल्डिंग है चारों तरफ से, पेड़ भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस फिलहाल मेरे को यहाँ पे आए हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं, तो कल शाम को आया था मतलब, तो अब कल सुबह जाऊँगा 10 बजे के टाइम में, तो देखते हैं फिर। अभी तो फिलहाल देखो बुआ यहाँ पे दिया जला रही हैं, तो अभी तो बुआ की पूजा हो रही है यहाँ पे, को दीपांश भी आ रखा है। गोलू नीचे मंदिर में पूजा कर रहा है और बुआ यहाँ पे कर रही है, गोलू भी आ गया। तो गए इस साइड को दिख रही है जन्मभूमि, तो मतलब इस साइड को ये जन्मभूमि और जो मस्जिद है दोनों कृष्ण भगवान की। और दीपांशु जो स्कूल में पढ़ता है ना वो ये वाला स्कूल है, यहाँ पे से लेकर के यहाँ तक घर के, तो घर के यहाँ पे घर हो गया और यहाँ पे को स्कूल है, घर के बिल्कुल, तो घर के बिल्कुल जस्ट में ही है स्कूल, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है इसको, है ना। चलो देखो वहाँ से जन्मभूमि, जूम करके देखो वहाँ से, यहाँ से पेड़ लगे, यहाँ पे से पेड़ लग रहे, नहीं तो साफ करके दिख जाता ऊपर से, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत नजारा आ रहा होगा। ये जूम करके देख लो भले ही जूम। ये लड़का बहुत ही पागल है, इसका नाम चंदेला है। चंदेला ऐसे ऐसे नाम बना रखे हैं उन्होंने यहाँ के बच्चों के भी ना। हाँ तो यहाँ पे को उस साइड से भी ट्रेन चल रही है और इस साइड से भी ट्रेन, तो इस साइड से मतलब इस साइड से ट्रेन चल रही है और उस साइड से गाड़ी, तो तब जाके आवाज भी बहुत कट कट के आ रही होगी। ये हाईवे यहाँ के सामने पड़ता है, यहाँ पे से देखो इस साइड को हाईवे है पूरा और नीचे से रेल जाती है, तब जाके यहाँ इतना, तो यहाँ पे ज्यादा ही उजाला हो रहा है कुछ, तो गाड़ी जा रही है ना यहाँ से बार बार, तो उजाला बहुत हो रहा है। क्या क्या निकल रहा है मुँह से ही पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे कुछ, अब तो अंधेरा भी हो चुका है। तो गाइस अभी जा रहे हैं मंदिर में शिव जी के बगल में पास में, बल गोलू के साथ जा रहा हूँ अभी मैं, तो दिखाऊंगा कहाँ पे होगा करके। तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे घूमने में, थोड़ा सही जैसा लग रहा है ना। तो ये आया अभी अभी आया स्कूल से भी, पहले स्कूल गया फिर ट्यूशन गया, तो यही वाला मंदिर है जिसमें जाना था मैं, और यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा करके, तब जाके मैं यहाँ पे को वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो मेन ये शिव जी का मंदिर है और भी बहुत सारे मूर्ति लगी हुई है मतलब। तो गाइस फिलहाल कल के बाद तो मैं अभी बना रहा हूँ ना वीडियो, और अभी मथुरा से मैं यहाँ पे कुछ चौराहे में, तो आइए ना अब यहाँ से जाना है वृंदावन, और वृंदावन के लिए रास्ता इस साइड को जाता है। अभी यहाँ पे टेम्पू का इंतजार कर रहा हूँ, टेम्पू कहाँ से, यहाँ पे टेम्पू खड़े हैं लेकिन ये टेम्पू मथुरा को जाते हैं, ये टेम्पू वृंदावन को नहीं जाते हैं, तो थोड़ा आगे से मिलेंगे मतलब टेम्पू, तो यहाँ पे से मिलेंगे टेम्पू, और यहाँ पे लिखा है मेरू वृंदावन, तो चलो आगे चलते हैं, तो चलते हैं वृंदावन को। देखो क्या हाईवे है यहाँ का और क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यार, मजा ही आ गया देख के। तो चलो फाइनली गाइस पहुंच गए अपने मंजिल में वृंदावन, और यहाँ से केवल थोड़ा सा दूर है अटला चुंगी मतलब, तो वहीं पे जाना है, तो पहुंच गए मतलब, एक गेट तो दिख गया। हमारे यहाँ पे देखो रहता है ये लड़का जो बंदरी को उठा के ला गया, और वो भी जंजीर से बांध दिया यार इसको, खोल दे गए तो अब खोल नहीं रहा है। अब बताओ सुबह से लेके शाम तक उछलने वाले बंदर को ऐसे बंधक बना दिया इसने। तो फिलहाल ही पहुंच गया मथुरा और जाना है अब मेरे को घर यहाँ से, कल सुबह पहुंचूंगा घर तुम्हें, ऐसे अभी बैठूंगा कल सुबह पहुंच जाऊंगा मतलब, सुबह 5 बजे के टाइम में पहुंच जाऊंगा। तो गाइस आज चल रहा है दीपावली की सफाई का काम यहाँ पे, को मम्मी साफ कर रही है, मैं लगी पड़ी है, मम्मी पानी से धो रही है और गीतू साफ कर रही है, मतलब इधर उधर फेंक रखा है सारा सामान, ये देखो यहाँ पे को ऐसे करके वहां से उठा के यहाँ पे रख दिए। तो गाइस आज चल रहा है यहाँ पे को सफाई का काम, देखो यहाँ पे को साफ करने लगी मम्मी, और यहाँ पे इस साइड कर दिया, इस साइड अभी सुहरिया है, पंखा चला रखा था, हवा आ रही है तो जो तो आवाज भी ज्यादा आ रही होगी, तो पूरा ही साफ कर रही है आज। तो गाइस आज मम्मी बन गई देखो पेंटर यहाँ पे को, दीपावली के टाइम में पूरे में गोल्डन गोल्डन कर दिया, पहले इसमें नीला रंग था है ना मम्मी, भैया पीली बन के लाल बन के आई। अच्छा हाँ ये गोल्डन नहीं पीला रंग है ना, पीला रंग है, पीला रंग कर दिया मतलब नीले से, पीली पीली बन के आई थी मैया। मम्मी का कलर करना देखो, कोई पेंटर करना है अगर संपर्क मम्मी से करा करो, अगर किसी का पेंट करना है, पेंट करने के लिए मम्मी से संपर्क करें, मम्मी अपने आप पूरा पेंट कर देगी।
क्यों कर रही है उसको परेशान हो कुत्ते को, या कुत्ते को परेशान कर रही ना यहाँ। रुला दिया ये भागा। हल्ला उसको लगी क्या मुझे बताओ तुम लोग सुनी आज तक ले जाने वाली। मैंने कहा ऐसे सब लोग किराएदार मिलता था इन बच्चों सुधर जाते। हाँ कोई यहाँ पर समझाता नहीं है ना। मैं तुरंत डाटा नहीं जाता, मैं तुरंत डाटा में और आकाश तो बोल रहा था, बेड से बोल रहा था करके आकाश से बोल रहा तूने आकाश से तो बोला गाली दे रहा था, गाली दे रहा था, गाली गाली देता है, गाली गाली देता है, यहाँ गाली देता है, गिर गया तो शर्म में आई हुई गाली दे रहा था ना, गाली गाली दे रहा था। तो गाइस पहले वहां पर साफ कर रहा था सुबह के टाइम में बरंडा, तो अभी करनी है रोसे साफ। और ये तो यहाँ पे करने में लग गए, देखो पूरा सामान ऐसे करके उबड़ मतलब उठा दिया, यहाँ पे पूरा खाली कर दिया। ये डब्बे यहाँ पर ऐसे करके रख दिए, सारे डब्बे यहाँ से ऐसे करके रख दिए, पूरा अलमारी खाली कर दिया। मम्मी वहाँ पहुँच रही है और ये यहाँ पे पहुँच रही है और मैं इस साइड पहुँचूंगा। यहाँ पे को पीले हो गए ना पूरे टाइल पीले हो गए, देखो यार ये देखो पूरे टाइल पीले हो गए और पंखा सब इससे काला हो चुका है पूरा। क्या कह रही है? अच्छा ये तोड़ दिया मतलब, तो इसके लिए गाने चला देता हूँ, बिना बिना गाने के काम नहीं करेगी मतलब। ये चल जा। तो गाइस देखो वहां पे तो पूरा साफ कर दिया ना, और ये पंखा देखो कितना काला हो रहा था, पूरा गोरा हो चुका है, सफेद हो चुका, सफेद रंग था इसका, सफेदी हो गया। अब ये दीवार करनी है, ये वाली दीवार। और मैं कितने ऊपर आ रखा हूँ आपको दिखा, ये देखो इसके ऊपर चढ़ रखा हूँ मैं सीढ़ी के ऊपर, और यहाँ पूरा मैंने साफ कर रखा है इस साइड को, और इसके ऊपर क्यों नहीं कर रखा मैंने, लेकिन ऊपर से जाले वैसी रहेगी। अब अब जाले साफ करने पड़ेंगे, अभी यहाँ पे कोई दीवार साफ करनी है, तो बस यहाँ पे करना है साफ, यहाँ पे को तो यहाँ पे करेंगे अभी, उसके बाद तो बस मैंने तो अपना काम कर दिया है पूरा। अब करेगी मम्मी और दीदी, सारा काम कर दिया मैंने, यहाँ से लेकर के पूरी ये दीवार की है ना मैंने साफ करेगी। तो बस मैं तो सारा काम करके अब आ गया दुकान बंद करने के लिए। तो बस तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। अब देखो एक साफ बंद करता हूँ लाइट, कैसा कैसा हो जाना आता है, पूरा अंधेरा हो गया अब तो।